कहाँ पहुँचने वाले हैं? चिंतामन गणेश मंदिर। चिंतामन गणेश? बिल्कुल सर, मेरे ही नाम से है। आपके नाम से ही है। किसी भी व्लॉग का सबसे कठिन काम होता है उसकी शुरुआत करना, तो आज ये कठिन काम ज्योति करेगी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बता दो। हम लोग उज्जैन जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी, ज्योति जयपुरी और आयुष जयपुरी, साहब आयुष जयपुरी जी। आप लोग इस लाल परी को तो देखते ही रहते हो, ये वाली ओरिजिनल परी को देखो। आज हम लोग जा रहे हैं सुभि के साथ और सुभि के मम्मी पापा भी आ गए। ये सुभि के बारे में मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया, अगर नहीं देखे हैं आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं। और ये हैं सुभि के पापा, अपने बारे में बता दीजिए, इनको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। सर मेरा नाम अर्पित ज्ञानी है, बिजनेस है मेरा, मेरे फादर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। ये है हमारी भाभी जी, सुभि की मम्मी। अभी हम लोग जा रहे हैं उज्जैन और उज्जैन भाभी जी का मायका है, महाकाल की नगरी जा रहे हैं उज्जैन, और उज्जैन की बेटी हम लोग को लेके जा रही है दिखाने के लिए, तो कितने गौरव की बात है हमारे लिए। थैंक यू भाभी, हम आपके साथ जा रही है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। द्वार हम लोग प्रवेश कर चुके और उज्जैन में एंट्री हो गई हमारी जी ऑफिशियली। ज्योति स्वागत है उज्जैन में, विश्वास नहीं हो रहा है ना? हाँ विश्वास नहीं हो रहा है मुझे तो। अच्छा कहाँ पहुँचने वाले हैं? चिंतामन गणेश मंदिर। चिंतामन गणेश? बिल्कुल सर, मेरे ही नाम से है। आपके नाम से ही है? नहीं नहीं, मेरा नाम उनके नाम से है। जब उज्जैन में हम प्रवेश करते हैं सबसे पहले यात्रा की जो शुरुआत होती है भगवान चिंतामन गणेश से ही करनी चाहिए। मालवा क्षेत्र में जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उसमें सर्वप्रथम भगवान चिंतामन गणेश को ही आराध्य देव मानकर वहां से प्रथम निमंत्रण गणपति को ही दिया जाता है और यहां से ही मांगलिक कार्य की शुरुआत की जाती है। ओम सेना इंद्रो वृद्धशुभ सेना भूखा विषवे राहस्तारक्षोष्टनेमिहि स्वस्तिकम्। अभी हम लोग हैं चिंतामन गणेश के मंदिर में और बाकी जानकारी हमारे पंडित जी बताएंगे, उनसे बात करते हैं। पंडित जी मेरा भी नाम चिंतामणि है और मेरे चैनल का नाम भी चिंतामणि जयपुरी है। वाह वाह वाह, जय गजानन। यहाँ तीन गणेश जी हैं विराजमान हैं, श्री चिंतामन गणेश, इच्छामन गणेश और सिद्धि विनायक गणेश। यहाँ आने से मन की सारी चिंताएं दूर होती है, सारी इच्छाएं पूर्ण होती है और सारे कार्य निर्विघ्न सिद्ध होते हैं। स्वयं वो गणपति हैं, राम लक्ष्मण जानकी द्वारा पूजन किया मूर्ति। किसी की मानता अगर होती है ये वाला तराजू, हाँ इस तराजू में बच्चे को तोला जाता है। अगर कोई बच्चे की मन्नत लेता है, मन्नत लेते की मन्नत पूरी हो जाती है तो इस तराजू में उसके वजन के हिसाब से तोला जाता है, मोदकों से लड्डुओं से। चिंतामन गणेश मंदिर का नाम, और मेरा सौभाग्य देखो अंदर जाके गर्भगृह में जाके दर्शन करने का मौका मिला, सारे भाइयों को भी मिल गया दर्शन करने का मौका। वीडियो में देखूंगी अच्छे से। वीडियो में अच्छे से देखना, एकदम एक जैसे दिख रहे हो दोनों तुम लोग। फोटो मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्या करेगा? चाहिए क्या करने है? ज्योति ये डमरू लूंगा बोल रहे हैं, कितने की है? 50। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं सर महाकालेश्वर मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, सारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ही ज्योतिर्लिंग ऐसा जो तो दक्षिण मुखी है। जय महाकाल। जय महाकाल। पार्किंग में हम लोग गाड़ी लगा रहे हैं, अंदर कैमरास अलाउड है? सर अभी तो अलाउड है सर, बताया गया है, और अंदर जाके बात करेंगे हम लोग। अंदर कैमरा अलाउ करते हैं या मोबाइल अलाउ करते हैं तो आपको भी दर्शन कराते हैं। बच्चे लोग बैठ सकते हैं क्या? क्या चार्ज है? ले लीजिए फोटो भैया, पहले इनका तो ले लो। फोटो हो गया आपका, वीडियो भी हो गया, अब इनको कहाँ भेजना है, इनको चाहिए फोटो। यूट्यूब चैनल पे इंटरनेट पे दिख जाएगा चिंतामणि जयपुरी नाम से। सुभि बैठ चुकी है अभी एलिफेंट में, जब ये नीचे बैठेगा तब मैं ऊपर चढ़ पाऊंगा। अच्छा अभी नहीं बैठ रही। सर 100 रुपये टिकट इन्होंने दिया है तो अभी हम
हम लोग जा रहे हैं अंदर और DSLR बाहर छोड़ना पड़ेगा। परमिशन मिल नहीं पाई हमको शाम के रूप से मिल रही, उतना समय है नहीं हमें हमारे पास। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, बहुत प्रयास किए कि DSLR ले जा सके लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। मोबाइल से कोशिश करते हैं आपको भी दर्शन कराने का। अच्छा, यहाँ पे पैर रख के जाना है क्या? पैर साफ हो जाएगा मस्त। 2 बजने वाले हैं। ज्योति, हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इतना कम भीड़ भाड़ में आ पा रहे हैं, आराम से जा पा रहे हैं। नहीं तो इतने जो बैरिकेड्स लगे हैं इसीलिए लगे हैं ताकि भीड़ कंट्रोल किया जा सके। मुश्किल से परमिशन लेने के बाद थोड़ा सा पास जाके मेरे को दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जय महाकाल। जय महाकाल। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। ये जो नागचंद्रेश्वर मंदिर बना हुआ है ना, नाग पंचमी को एक दिन खुलता है, बाकी साल के 12 महीने बंद रहता है। एक दिन के लिए ओपन किया जाता है, पूजा भी एक दिन होती है इस मंदिर। बाबरी माँ तो 1 लाख लोग की भीड़ आती कम से कम। ये तिलक लगवा ली। अच्छा, मैं भी लगवा। क्या बात। महाकाल रुद्र सागर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच ऐसा बनेगा आगे जाकर भविष्य में। अच्छा, हाँ देखो। अच्छा, ये पुराने महाकाल कहा जाता है, ऐसा बताते हैं कि पहले यही महाकाल थे। हाँ, कुछ मुगलों के द्वारा कुछ जब इस पर हमला किया गया तो इस मंदिर को छुपा दिया और उस मंदिर की स्थापना करके यहाँ पूजा करी गई। बाद में फिर यही पर प्रचलित हो गया, यही पूजा और ही लगा था। जय महाकाल। सबसे पुरानी मूर्ति शायद यही है। श्री चिंतामन गणेश जी की जय हो। बजरंगबली जी के मंदिर में मुझे फूल मिला प्रसाद के रूप में। वापस स्विच हो गए हम लोग DSLR में। यहाँ पे क्लॉक रूम में कैमरा छोड़ा हुआ था। चलो जूता पहन लो। अभी जूता पहन ले। कहाँ पर है बेटा हम लोग का जूता? प्यास लग गई थी, सबसे ज्यादा इनको प्यास लग गई थी। मैं हर जगह पर बैठ जा रहा था। गोलू का एनर्जी डाउन हो गया तो अभी गोलू का और सुबह कुछ खाया भी नहीं जाता। हम लोग रिफ्यूलिंग करा रहे हैं। लो फ्यूल वार्निंग आ रहा है गोलू का। वो नहीं थक रही है लेकिन सुबह एकदम नहीं थक रही है, तो दौड़ दौड़ के घूम रही है। पानी भर रहे फिर उसका मेरा ना। हाँ, तुम्हारा क्यूट दिया, अच्छी दिख रही है। इसी को दिलाना है। कौन सी क्लिप चाहिए, कौन सा कलर? ये दिला दो। ये चाहिए यार। ये भी ले ले, ये भी ले ले। चल तो उसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए, उसको भी दिलाओ। चल ले ले बेटा, ले ले। बाय 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 बाय। किसको किसको भूख लग रही है? ये है उज्जैन का क्लॉक टावर और उज्जैन का बहुत प्रसिद्ध जगह है ये। उज्जैन के सारे मुख्य मार्केट यहीं पे हैं, इसके इर्द गिर्द ही हैं। तो उज्जैन वाले भाइयों नमस्कार। उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। उसी का नाम से मुंबई से जो ट्रेन चलती है उसका नाम है अवंतिका एक्सप्रेस। अवंतिका एक्सप्रेस बहुत बहुत प्राचीन नगरी है उज्जैन और बहुत पवित्र नगरी है। चाहिए। अच्छी जगह है जहाँ पे लेके आए, बहुत बहुत साफ सुथरी है और टेस्टी है। ये यहाँ पर जो ये रायता है बहुत अच्छा है, रायता प्रेमी है और रायता फैलाती भी है। इतना अच्छा रायता मैं कभी नहीं खाई, बहुत अच्छे से डबल मंगवा के खा गई। 50-50। तो मेरे को भी रायता बहुत अच्छा लगा। मैं रायता पसंद नहीं करता हूँ लेकिन यहाँ पर का रायता बहुत अच्छा लगा। अगर उज्जैन आते हैं भोजन करना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन और अच्छा भोजन करना है तो इस दुकान पे आइए, ये बहुत अच्छा है। मैं तो ऐसा खाना कभी नहीं खाई। ये पेड प्रमोशन नहीं है भाई लोग, दिल से एकदम मस्त लगा इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चांदी पन्नी आश्रम, वहाँ पे कृष्ण भगवान की शिक्षा हुई। कुल गुरु